दुनिया में फेमस हो गया है। इन फिल्मों की कहानी ही नहीं बल्कि इनके कलाकार भी पूरे भारत में लोकप्रियता पा रहे हैं। इस वीडियो में हम एक ऐसे ही एक्ट्रेस की बात करेंगे जो कि निधि अग्रवाल है। इनकी सफलता की कहानी का राज आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हम बात कर रहे हैं निधि अग्रवाल की, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत तो एक बॉलीवुड फिल्म से की थी, लेकिन अभी ज़्यादातर फिल्में टॉलीवुड में करती है। तो आप भी निधि अग्रवाल के फैन हैं और उनके सफलता का राज जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस कहानी की शुरुआत होती है 17 अगस्त 1993 को, जब हैदराबाद में रहे एक मारवाड़ी परिवार में निधि अग्रवाल का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम राजेश अग्रवाल और माता का नाम और माँ का नाम इंदु अग्रवाल है। निधि ने अपनी पढ़ाई बेंगलोर से की है। उन्होंने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई बेंगलोर के विद्या निकेतन नाम की स्कूल में की थी, जबकि बेंगलोर की ही एक स्कूल से बिजनेस मैनेजर का कोर्स किया था। एक्टिंग और मॉडलिंग के अलावा इन्हें एक ट्रेंड बैलेट कथकली डांसर और बेली डांसर भी है। कहा जाता है कि निधि की हिंदी के अलावा कथक, कन्नड़ और तेलुगु भाषा में भी अच्छी पकड़ है। बॉलीवुड में आने से पहले वो मॉडलिंग किया करती थी। 2014 में वो एक शो की फाइनलिस्ट रही थी जो कि डांसिंग और सिंगिंग का था। फैशन शो ने निधि के फिल्मों में आने के दरवाजे खोल दिए और वर्ष 2014 में टाइगर श्रॉफ के अपोजिट फिल्म मुन्ना माइकल में अपने करियर की शुरुआत फिल्मों में की। बॉक्स ऑफिस में तो नहीं चली, लेकिन फिल्में निधि के डांस और एक्टिंग को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। बताया जा रहा है कि मुन्ना माइकल की फिल्म में फीमेल एक्ट्रेस के लीड रोल के लिए 300 लोगों ने ऑडिशन दिया था, जिनमें निधि अग्रवाल को चॉइस किया गया था। इस फिल्म के बाद इन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में रोल किया था और नवंबर 2018 में इनकी पहली फिल्म जो कि तेलुगु थी, सेविंग सेचुगु नाम की फिल्म तेलुगु में रिलीज हुई। में नागा चैतन्य और आर माधवन जैसे एक्ट्रेस भी थे। ये फिल्म एक सफल फिल्म रही थी और 14 करोड़ के बजट में 14 करोड़ की इस फिल्म में भी बॉक्स ऑफिस पर लगभग 250 करोड़ का बिजनेस किया था। कुछ महीनों बाद जनवरी 2019 में इनकी दूसरी बॉलीवुड फिल्म मिस्टर मजनू रिलीज हुई। इन फिल्म में उन्होंने मशहूर टॉलीवुड सुपरस्टार नागार्जुन के बेटे अक्की नैनी के साथ नजर आई थी। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त सफलता हासिल की थी। वर्ष 2019 में भी उनकी एक और फिल्म 2019 में भी उनकी एक ज़बरदस्त तेलुगु फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था आई स्मार्ट शंकर। एक सफल फिल्म रही थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 100 दिन से ज़्यादा चली थी। आने वाली फिल्मों में या कई साउथ फिल्मों में नजर आने वाली है। इनमें से 2 रोल अक्षय कुमार के ऑपोजिट नज़र आएगी। उनमें से उनके पास 2 फिल्म रोल भी है। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। टॉलीवुड का जन्म भारत के साथ साथ अब पूरी दुनिया में फेमस हो गया है। इन फिल्मों की कहानी ही नहीं बल्कि इनके कलाकार भी पूरे भारत में लोकप्रियता पा रहे हैं। इस वीडियो में हम एक ऐसे ही एक्ट्रेस की बात करेंगे जो कि निधि अग्रवाल है। इनकी सफलता की कहानी का राज आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हम बात कर रहे हैं निधि अग्रवाल की, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत तो एक बॉलीवुड फिल्म से की थी, लेकिन अभी ज़्यादातर फिल्में टॉलीवुड में करती है। तो आप भी निधि अग्रवाल के फैन हैं
और उनके सफलता का राज जानना चाहते तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस कहानी की शुरुआत होती है 17 अगस्त 1993 को, जब हैदराबाद में रहे एक मारवाड़ी परिवार में निधि अग्रवाल का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम राजेश अग्रवाल और माता का नाम और माँ का नाम इंदु अग्रवाल है। निधि ने अपनी पढ़ाई बेंगलोर से की है। उन्होंने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई बेंगलोर के विद्या निकेतन नाम की स्कूल में की थी, जबकि बेंगलोर की ही एक स्कूल से बिजनेस मैनेजर का कोर्स किया था। एक्टिंग और मॉडलिंग के अलावा इन्हें एक ट्रेंड बैलेट कथकली डांसर और बेली डांसर भी है। कहा जाता है कि निधि की हिंदी के अलावा कथक कन्नड़ और तेलुगु भाषा में भी अच्छी पकड़ है। बॉलीवुड में आने से पहले वो मॉडलिंग किया करती थी। 2014 में वो एक शो की फाइनलिस्ट रही थी जो कि डांसिंग और सिंगिंग का था। फैशन शो ने निधि के फिल्मों में आने के दरवाजे खोल दिए और वर्ष 2014 में टाइगर श्रॉफ के अपोजिट फिल्म मुन्ना माइकल में अपने करियर की शुरुआत फिल्मों में की। बॉक्स ऑफिस में तो नहीं चली, लेकिन फिल्में निधि के डांस और एक्टिंग को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। बताया जा रहा है कि मुन्ना माइकल की फिल्म में फीमेल एक्ट्रेस के लीड रोल के लिए 300 लोगों ने ऑडिशन दिया था, जिनमें निधि अग्रवाल को चॉइस किया गया था। इस फिल्म के बाद इन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में रोल किया था और नवंबर 2018 में इनकी पहली फिल्म जो कि तेलुगु थी, सेविंगी सेचुगु नाम की फिल्म तेलुगु में रिलीज हुई। में नागा चैतन्य और आर माधवन जैसे एक्ट्रेस भी थे। ये फिल्म एक सफल फिल्म रही थी और 14 करोड़ के बजट में 14 करोड़ की इस फिल्म में भी बॉक्स ऑफिस पर लगभग 250 करोड़ का बिजनेस किया था। कुछ महीनों बाद जनवरी 2019 में इनकी दूसरी बॉलीवुड फिल्म मिस्टर मजनू रिलीज हुई। इन फिल्म में उन्होंने मशहूर टॉलीवुड सुपरस्टार नागार्जुन के बेटे अक्की नैनी के साथ नजर आई थी। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त सफलता हासिल की थी। वर्ष 2019 में भी उनकी एक और फिल्म 2019 में भी उनकी एक ज़बरदस्त तेलुगु फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था आई स्मार्ट शंकर। एक सफल फिल्म रही थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 100 दिन से ज़्यादा चली थी। आने वाली फिल्मों में यह कई साउथ फिल्मों में नजर आने वाली है। इनमें से 2 रोल अक्षय कुमार के ऑपोजिट नज़र आएगी।